मिडिल ईस्ट में मचे संग्राम के बीच हजारों भारतीय भी वहां फंसे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लोग इसराइल में हैं। ईरान के हमले के बाद यहां भारत में उनके परिवार के लोग परेशान हैं, इसराइल छोड़कर चले आने को कह रहे हैं, लेकिन वहां रह रहे भारतीयों पर क्या बीत रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में बरस रहे बम और बारूद ने यूपी के भदोही के लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। यूपी के भदोही जिले के 8 लोग इस समय इसराइल में हैं। ईरान के मिसाइल हमले के बाद से इनके परिवारों को इनकी चिंता सता रही है। वीडियो कॉल से रोज हालचाल लेते हैं, बात करते हैं, लेकिन दिल में एक डर भी बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। कौनो दिक्कत परेशानी बा? ना कौनो दिक्कत परेशानी है इधर। ऐसा कौनो माने धूम धड़ाका जो गिर रहा है, कोई घबराहट? ना कौनो दिक्कत ना घबराहट बा, कोई नहीं, कौनो डर ना है तुम लोग। हजारों किलोमीटर दूर जंग के माहौल में इस समय ये वीडियो कॉल ही एक बड़ा सहारा है। भदोही के ज्ञानपुर इलाके में रहने वाले लालधर विश्वकर्मा रोजाना अपने छोटे भाई राम सूरत विश्वकर्मा का हालचाल लेते रहते हैं। हर बार राम सूरत बताते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन बड़े भाई का दिल नहीं मानता है। वो खुद को समझा लेते हैं कि जब छोटा कह रहा है तो ठीक ही होगा। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं भैया ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिलहाल देख रहे हैं पूरा मिसाइल छोड़ रहा है, पूरा धुआं हो रहा है, हम लोग छत पर से देखते हैं। हमका डर नहीं लगता, कहें डर तो नहीं लगता। अब यहाँ अब 10 दिन गए के बाद तो ये सब सुनाई दे रहा है, इसीलिए थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कुछ नहीं है। भदोही के कुल 8 परिवारों के लोग इस समय इसराइल में वर्क परमिट पर गए हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 3 महीनों के अंदर इसराइल गए हैं। जो दवा होता तेकर कोई दिक्कत परेशानी या कोई ऐसा महसूस हो कि डर हो ऐसा कोई बात नहीं? ज्ञानपुर के बैराखास गांव के अनिल विश्वकर्मा रोजाना अपने परिवार को इसराइल में चल रहे हालात के बारे में बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर, वहां के हालात को देखकर, यहां भदोही में बैठे उनके बड़े भाई सुनील विश्वकर्मा का कलेजा कांप उठता है। सुनील विश्वकर्मा बताते हैं कि 3 महीने पहले ही उनका भाई अनिल विश्वकर्मा इसराइल गया है, शटरिंग का काम करता है। ईरान के हमले के बाद सुनील ने अपने भाई अनिल को फोन किया था। अनिल ने बताया था कि हालात सामान्य हैं, कई मिसाइलें गिरी लेकिन ज्यादातर हवा में ही नष्ट हो गई। भारी गोलाबारी का अलर्ट आते ही बंकर में छिपना होता है, लेकिन कोई डर नहीं है। घर वाले परेशान नहीं है? जब भाई जो वहां से हमको बता रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, तो हमको भी तसल्ली मिल रहा है भाई आदमी को कोई दिक्कत है नहीं, आराम से हैं। उनके जितने संगी साथी गए थे करीब 40-50 लोगों की गोल गई थी यहाँ से मिलते जुलते, सब के सब सेफ हैं, कोई फंसा नहीं है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई उतना बहुत बड़ा इशू है। राम सूरत विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा सभी अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं। आप लोगों को डर लग रहा है, घर आने की चिंता है? लेकिन इनके परिवारों का दुख एक है, चिंता एक है, घर के बच्चे ऐसी जगह पर हैं जहां हर पल मौत का खतरा है। कब किधर से मिसाइल गोला बारूद आकर गिर जाए, सोचकर ही परिवार वालों की रूह कांप जाती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुए इसराइल हमास की जंग के बाद से ही मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। पिछले महीने लेबनान पर इजरायली हमले के बाद, लेकिन 1 अक्टूबर की रात ईरान के हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों के परिवारों की चिंता बढ़ गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के डेटा के मुताबिक
इसराइल में 26,000, ईरान में 10,000 और लेबनान में 4,000 भारतीय अभी भी हैं। बड़े खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अपने लोगों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है। हवाई हमले, मिसाइल अटैक, बमबारी के बावजूद अभी तक हजारों भारतीय इसराइल, लेबनान और इराक में रुके हुए हैं। हैरानी की बात है कि इस साल सितंबर में ही 1,000 भारतीय वर्क परमिट पर इसराइल गए हैं। भदोही से आदर्श पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।